हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी, ये जो डब्बा दिख रहा है वो है निहार का, बट मैं इसमें सरसों तेल रखी हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आलता को ज़्यादा दिन तक टिका सकते हैं, और उसको मतलब लगाने के बाद जो पैर है वो पैर का रंग है वो जल्दी नहीं निकलेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो बस आलता लगाना है, और आलता जब सूख जाए तो थोड़ा थोड़ा तेल लेके पैरों में इस तरह से लगा लेना है। तो इससे क्या होगा, जो आलता है वो पक्का हो जाएगा, पानी जब इस पे लगेगा तो भी नहीं निकलेगा। तो आज का जो वीडियो है यही है कि सरसों तेल लगाना है और अपने आलता को कर लेना है पक्का। तो डब्बा मैं किसी और का ली हूँ, निहार तेल का है, लेकिन उसमें मैं सरसों तेल रखी हूँ ताकि अच्छा से आसानी से तेल निकल जाए। तो मैं यहाँ चारों तरफ जहाँ जहाँ आलता का डिज़ाइन लगाई हूँ वहाँ वहाँ मैं लगा लूँगी। और फ्रेंड्स, ये वाला जो तेल है वो गांव का है, मेरा तेल है एकदम पक्का, मतलब ओरिजिनल तेल है ये। और यही तेल मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ और हाथ पैर में भी लगाती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड का दिन है और अपने मेरे घर में मेरे बच्चे लोग भी यही लगाते हैं। तेल काफ़ी अच्छा रहता है, बालों में भी मैं यही लगाती हूँ। कोई केमिकल नहीं है, केवल सरसों का तेल है, तो काफ़ी अच्छा रहता है घर का बना हुआ तेल। तो देखिए, जहाँ जहाँ डिज़ाइन है वहाँ मैं इसे लगा रही हूँ। और आज की वीडियो में आप ये भी देखोगे कि मैं कैसे इसे पानी में भिगाती हूँ, उसके बाद भी इसका जो रंग है वो निकलता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ डिज़ाइन जो है वो सारा दिखता रहता है। और ऐसे मैं बता दूँ कि ऐसे जो है मैं आलता लगाई हूँ और पानी में पैर थोड़ा सा भी गया है, तो उसके बाद जो डिज़ाइन होता है ना, जो पतला वाला है, महीन डिज़ाइन है, तो वो जो है वो छूट जाता है, लेकिन जो मोटा है जैसे एड़ी में लगा हुआ है पैर में, वो रह जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो डिज़ाइन है वो छूट जाता है। तो इसीलिए मैं इस बार तेल लगा के आपको दिखा रही हूँ कि तेल लगाने के बाद जो मेरा डिज़ाइन है वो भी रहता है, देखने लायक रहता है, मतलब बिटता नहीं है वो। तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो आप देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया सा वीडियो डालूँ तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, मैं यहाँ सरसों तेल लेते जा रही हूँ और दो दो बूंद करके ले रही हूँ और लगाते भी जा रही हूँ। तो लगाने के बाद देखिए, जो आलता है ना उसका कलर और भी ब्राइट हो गया है, आपको भी दिख रहा होगा, आप बैक में जाके देख सकते हो और अभी देख सकते हो कि कितना अच्छा लाइट कर रहा है मेरा आलता, नेल्स सब कुछ लाइट कर रहा है, ब्राइट हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इससे क्या है, जैसे आप आलता लगाए और तेल लगा लिए और उसके बाद आप पैर भी धुलते हैं, मंदिर जाते हैं, वैसे महावर लोग कब लगाते हैं, जब पूजा पाठ होता है तब अधिकतर लगाते हैं, तो उसके बाद पैर भी धोती है महिलाएं, मंदिर गई तो वहाँ नल रहता है, चापाकल रहता है, पैर धुल के तब मंदिर में प्रवेश करती हैं, तो उस टाइम क्या होगा, जो पैरों का रंग है वो नहीं निकलेगा। और ऐसे कितना मेहनत से लगाया जाए तो रंग जो है वो निकल जाता है, डिज़ाइन भी मिट जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, मेरा लगभग दोनों पैरों में लग चुका है आलता डिज़ाइन, और आप देख ही रहे होंगे कि मेरे हाथों में रंग बिल्कुल भी नहीं लगा है, हल्का फुल्का थोड़ा सा बहुत तो आएगा ही, लेकिन देखिए इतना लगाने के बाद भी जो आलता है वो फैला नहीं है कहीं से भी, कि चलो रगड़ रगड़ के मैं लगा रही हूँ तो इधर उधर फैल गया है, कुछ भी नहीं हुआ है देखिए, बल्कि साइन कर रहा है। और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रगड़ भी रही हूँ अपने पैरों को, और इस वीडियो में आपने देख ही लिया ना मेरा एड़ी, बहुत लोग कमेंट होता है कि मैं अपना फिट के साथ साथ अपनी एड़ियाँ भी दिखाऊँ। और इसमें आपको ये भी मिलेगा देखने के लिए, जैसे कि आप बोलते हो रंग लगाने के बाद अपने सोल दिखाने तलवे, तो वो भी आप देखोगे, और मैं पानी उसमें डाल रही हूँ तो वो भी आप देखोगे। तो देखिए, यही तेल मैंने लगा लिया है और मैं अब चालू करूँगी नल, और उसमें अपना पैर रखती हूँ नीचे, और देख सकते हैं कि मेरा रंग जो है वो हल्का फुल्का निकल रहा है, मतलब रंग निकलेगा आपका, लेकिन जो डिज़ाइन है, जो रंग चढ़ा हुआ है वो नहीं मिटेगा आपका। जैसे कि मैं जो आलता लगाई हूँ, तो आलता लगाने के बाद जो रंग होता है जैसे गाढ़ा सा दिख रहा था, एकदम डार्क मैरून, तो वो जो कलर है वो निकल जाएगा, लेकिन जो स्किन में लगा हुआ है रेड, तो सब चीज़ पता चलेगा। देखिए, यहाँ मैं इतना पानी से धो रही हूँ, मतलब पानी का प्रेशर देखिए ऊपर से इतना तेज़ है, और मैं अपने तलवों में भी गिरा ले रही हूँ, क्योंकि अगल बगल
मतलब पानी जब मैं खोली थी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं किस तरह से कैमरा करूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल में भी थोड़ा बहुत पानी तो जा ही रहा था और मैं ज़्यादा जूम भी नहीं कर रही थी, क्योंकि जूम करने से थोड़ा वीडियो का जो साइज़ है वो कम पड़ जाता है। मैं पूरा क्लीन दिखना चाह रही थी, तो मैंने इसी तरह से वीडियो बनाया है कि ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चल सके कि तेल लगाने के बाद अपना पैर अगर मैं धुलती हूँ तो देखिए डिज़ाइन पूरा बारीकी से सब चीज़ पत्ता फ्लावर सब पता चल रहा है, गाढ़ा वाला तो पता चल ही रहा है, तो सब पता चल रहा है। और आप देखिए मेरा पिछले वीडियो में मैं साड़ी पहनी थी, लेकिन जब मुझे अचानक से याद आया कि पानी में भी करके एक वीडियो बना लूँ कि रंग ना निकले तेल लगा के, तो मैंने साड़ी खोल दिया और फिर मैं अपना पैजामा पहन ली ताकि उसके बाद ज़्यादा कुछ गंदा ना हो। तो देख सकते हैं कि मैं इतना पानी में डाली हूँ लेकिन फिर भी कलर नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं पानी जो जा रहा है, पानी में कोई भी आपको रंग नहीं दिखाई दे रहा होगा। और मैं इतना तेज़ी से पानी गिरा रही हूँ अपना पैर में और काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं जैसे लगाई थी अलता दोपहर को तो पानी भी गर्म गर्म आ रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। देखिए ये मैंने दूसरा नल यूज़ किया है तो इसका जो पानी का प्रेशर है वो एकदम बहुत महीन आ रहा था, जिस टाइप से आप देखते हो कि जो नल होता है नल में छोटे छोटे छेदे होते हैं जाली वाला, तो उससे जो पानी निकलता है वो थोड़ा झाग जैसा होता है, तो इस टाइप का ये वाला नल है। मैं दूसरा वाला बाथरूम में गई थी तो वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ बाथरूम का मैं जब पानी यूज़ कर रही थी तो उस टाइम भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए इतना ऊपर से नल चालू था और मेरा पैर नीचे था, इतना प्रेशर था, लेकिन फिर भी मेरा जो कलर है वो नहीं गया और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि कुछ ना कुछ तो आपको सब चीज़ पता चलेगा, बट जो डार्कनेस था जैसे आप शुरू वाला वीडियो में देखते ना साड़ी पहनी थी जो लगाई थी वो एकदम डार्क था, डार्क मैरून था, वो रेड था एकदम गाढ़ा, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डिज़ाइन सारे पते चल गए हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। और मेरी पायल भी धुल गई है, पैर भी धुल गया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अब तक देख के। इतना मेहनत जो मैं की हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मेरा पैरों में आलता में तेल लगाना और ये पानी का जो प्रेशर गिर रहा है मेरे पैरों पे, तो पैर धुल रही हूँ, तो वो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और अभी जो मैं इस आलता का वीडियो दो डाली हूँ काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस आया है, मतलब आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि आप लोगों का ये भी रिक्वेस्ट आया था कि आप आलता के आलता लगे पैरों में क्रशिंग का भी वीडियो डालिए, पर मुझे याद ही नहीं रहा इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। अब तो मेरा आलता बहुत छूट भी चुका है, देखिए पानी से हटाने के बाद जब मैं अपना पैर पोंछती हूँ पायदान में तो उसके बाद भी आपको डिज़ाइन दिख ही रहा होगा, बस डिज़ाइन सारे पते चल रहे हैं, सारा का सारा पते चल रहा, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, देखिए अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे बिछुए भी थोड़े से घूम जाते हैं, देखिए कैसा, मैं पूरा अपना पैर भी पोंछ ले रही हूँ, पानी हो गया है पैर में नहीं तो मुझे ठंड लग जाएगी। और देख सकते हैं पैर भी काफ़ी साफ सुथरा हो गया है, मतलब इतना मैंने पानी में से धुला है, उसके बाद अगर मैं सोती भी हूँ बेड पर तो कलर नहीं लगेगा, जैसे आलता लगाने के बाद बेड पे रंग लग जाता है तो वो नहीं लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को अब तक देखने के लिए।